फतेह साहब, आप आपको लग रहा है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये कह रहे तालिबान को मान्यता नहीं देंगे, लेकिन 2001 की जंग याद है मुझे, जितने भी तालिबानी थे वो पाकिस्तान की धरती पर बैठकर अमेरिका को आंखें दिखाते थे। आपको याद नहीं है वो दिन जब बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी पाकिस्तान की सरजमी से? जब पाकिस्तान अंग्रेज की मदद से बना अगस्त 14, 1947 में, तो सिर्फ एक मुल्क था जिसने पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस को रिजेक्ट किया था, और वो किंग जाहिर शाह की गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान हैज नेवर रेकग्नाइज्ड द ड्यूरेंड लाइन, और ना ही किसी को सोचना चाहिए कि ये जो 50, 60, 70, 100 साल गुजर गए हैं, इससे हिंदुस्तान की जो 5,000 साल पुरानी नक्शा है वो उलट देंगे। अटक से शुरू होता है हिंदुस्तान, कटक तक, ये बाकी सारा जो है ये अफगानिस्तान है। ये पिशावर जिस पे आप कह रहे हैं कि हमें, ये तो पश्तूनों का इलाका है, इसका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान से? आपने ले जाके पंजाबियों को सेटल किया क्वेटा और बलोचिस्तान पिशावर में, ताकि बलोच और पश्तून जो हैं वो उसके तले दब जाएं। आपने किया क्या? आपने तो वन यूनिट बनाया, आपने कत्लेआम किया है। आप पीटीआई के पीटीएम के इस वक्त जो हशर कर रहे हैं पश्तूनों को जो पाकिस्तान में रहते हैं, वजीर साहब को बंद किया हुआ है आपने, बम्बार्डमेंट आप कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं कि आप अफगानिस्तान को हाथ देंगे आगे बढ़ने का। दी इंटायर तालिबान फोर्स इज मेड इन पाकिस्तान। ये ISI के हेडक्वार्टर से नंबर चलते हैं कि कौन कहां किसको मारेगा। आपके रिटायर्ड जनरल्स की तो फैक्ट्रीज हैं जो IEDs बनाती हैं, जिससे सबसे ज्यादा कैजुअल्टीज हुई है अफगानिस्तान में। एक झूठ बोलने का हिसाब होता है कि वो ही चेहरा पहन के सब आ जाते हैं। ये पूरी टॉक्स जो हुई दोहा के अंदर, इट वॉज अ फ्रॉड इनेक्टेड बाय द तालिबान। और ये हमारे हुसैन हक्कानी जो इस वक्त एग्जाइल में हैं ब्रिटेन में, पाकिस्तान एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ही रोट, डू नॉट बिलीव इन दीज तालिबान, दे आर नॉट तालिबान, दे आर दी ISI। इनका तो नाश्ता खाना पीना सारा। आप मुझे बताइए कि तालिबान के पास 2,000 ट्रक आसमान से आए क्या? मन्ना सलवा बट रहा है, मशीन गन एम्यूनिशन ये सब कहाँ से आता है? इनके तेल के हैं क्या? ये सऊदी अरेबिया हैं कि 5,000 आदमियों की फौज जमा कर ली या 10,000 कर ली? एवरी थिंग इज कमिंग फ्रॉम रावलपिंडी। एंड उसके बाद प्यारा सा मुंह लेके बैठ जाते हैं टीवी के ऊपर कि हम तो चाहते हैं तरक्की, हमारे बड़े पुराने रिश्ते। अरे भैया तुम्हारे रिश्ते कैसे हैं? उन्होंने तो आके तुम्हें लूटा है। ये अब्दाली के नाम रॉकेट रख लेने से आप हो गए? हर शख्स ने आके सेंट्रल एशिया से इंडिया को रेप, प्लंडर, मर्डर किया, और आपके उनसे रिश्ते हैं? भैया रिश्ते होते नेशन स्टेट्स के, ड्यूरेंड लाइन अंग्रेज ने सेट की थी, किसी पश्तून ने, किसी हिंदुस्तानी ने नहीं, किसी अफगान ने नहीं। नॉर्थ से चलती है ड्यूरेंड लाइन, बलोचिस्तान के कोस्ट तक जाती है। अंग्रेज के पुजारी जिना साहब थे, और उनके जो सारे पलटन साथ आई थी दिल्ली और लखनऊ और बिहार से, के हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान, आज भुगत रहे हैं आप उसको, पैन इस्लामिज्म को। इस्लामिक स्टेट बनाया आपने, और उसके अंदर फिर एक और इस्लामिक स्टेट, और फिर उसके बाद बांग्लादेश के अंदर आपने 10 मिलियन आदमी मार दिया। आप लोगों को शर्म नहीं आती पाकिस्तान से बैठ के कहते हैं कि हम तो हमारे पुराने ताल्लुकात? अरे आपका पाकिस्तान बना ढाका में, आपने उनको रेप किया है,